अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो अक्सर लोगों के गूगल में बिजनेस लिस्टिंग के नीचे आपने देखा होगा कि उनके सोशल लिंक शो हो रहे होते हैं, यानी कि अगर उनका कोई फेसबुक पर पेज है, इंस्टाग्राम पे पेज है, ट्विटर पे या यूट्यूब चैनल है, तो वो अपने लिंक गूगल में बिजनेस लिस्टिंग में भी ऐड कर देते हैं। लेकिन ये कौन लोग ऐड करते थे? सिर्फ यूएसए और कनाडा, यानी कि ये अपडेट सिर्फ दो कंट्रियों में ही अवेलेबल थी। लेकिन अभी मैं आपको गुड न्यूज देने वाला हूँ कि 29 अगस्त 2023 को ये अपडेट ऑल ऑफ द वर्ल्ड में आ चुकी है, यानी कि अब कोई भी कंट्री अपने सोशल लिंक अपने गूगल में बिजनेस लिस्टिंग में ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये ऑप्शन अभी हर किसी के पास नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी लॉन्च हुआ है इधर, तो हो सकता है कि इसको काफी टाइम लग जाए, या फिर आहिस्ता आहिस्ता हो सकता है 1-2-3 दिन में ये हर किसी के लिस्टिंग पर आ जाए। तो ये आपको ऐड कैसे करने हैं वो मैं आपको बताता हूँ लैपटॉप की स्क्रीन पे। और हाँ, आज की वीडियो कोई ज्यादा लंबा भी नहीं होने वाला, क्योंकि इधर थोड़ा लाइटिंग प्रॉब्लम है, लेकिन एंड में हम इसके टर्म एंड कंडीशन जरूर जानेंगे कि इसके क्या रूल हैं, कैसे ऐड करते हैं, कौन सी चीजों से हमें बचना है। तो वीडियो को लाजमी वॉच करना है। और हाँ, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं है तो लाइक लाजमी कर लें, अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब लाजमी कर लें। तो व्यूअर, सबसे पहले तो आपको इस ब्राउजर में आपका वो वाला जीमेल अकाउंट लॉगिन करना है जिस पर आपकी लिस्टिंग क्रिएट की गई हो। तो मेरे पास वो अकाउंट ऑलरेडी लॉगिन हुआ पड़ा है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं टाइप कर देता हूँ माई बिजनेस। उसके बाद व्यू प्रोफाइल का ऑप्शन आप ये चूज कर लें। उसके बाद एडिट प्रोफाइल फर्स्ट ऑप्शन। उसके बाद फिर सेकंड ऑप्शन आपके पास आ जाता है कॉन्टैक्ट का। आप यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं फोन नंबर, वेबसाइट, और जो थर्ड ऑप्शन हमारे पास है, ये ऑप्शन पहले हमारे पास नहीं होता था, ये अभी 29 अगस्त को ही लॉन्च हुआ है। तो आप सिंपली इस पर क्लिक कर लें और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, फेसबुक है, लिंक्डइन भी है, यूट्यूब भी है, टिकटॉक भी है, यानी कि किसी भी सोशल मीडिया का आपका बिजनेस पेज है किसी भी सोशल मीडिया पर, तो वो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। ऐड करते कैसे हैं, यहाँ पर आप वही सोशल मीडिया सिलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल के मेरा इंस्टाग्राम है, तो अभी मेरा कोई अपना इंस्टाग्राम का पेज है नहीं, मैं वैसे ही समझा रहा हूँ। तो इंस्टाग्राम में इस साइड पर सिलेक्ट कर लूंगा, उसके सामने अपने इंस्टाग्राम पेज का जो लिंक होगा वो मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पर आप ऐड लिंक पर क्लिक करते जाएंगे और नीचे आपके जितने भी सोशल मीडिया हो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद सिंपली आपको सेव पर क्लिक करना है और आपका बहुत जल्दी ये एडिटिंग अप्रूव हो जाएगा, क्योंकि ये गूगल की अपनी तरफ से एक अपडेट है, इस पर ज्यादा टाइम नहीं लगता अप्रूव होने में। तो अभी हम जानते हैं इसके बारे में कुछ टर्म और कंडीशन, उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो व्यूअर, अभी मुझे इसके बारे में सिर्फ 3 पॉलिसीज ही मालूम है, तो वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। नंबर एक, अगर आपके ब्रांड की 3-4 ब्रांचेस हैं और आप चाहते हैं कि आप अपना सेम पेज हर एक में यूज करवाएं, तो ऐसा पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल के अगर आपका इंस्टाग्राम पेज है, फेसबुक पेज है, और आपकी जो लिस्टिंग है वो है 4, तो आप ये इंस्टाग्राम फेसबुक 4 की 4 लिस्टिंग में यूज कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। नंबर दो, अभी इनके इंप्रेशन, क्लिक वगैरह ये आपके ना ही इनसाइड में शो होंगे और ना ही आपके डैशबोर्ड में शो होंगे। नंबर तीन, कि अगर आप अपना पेज दोबारा से यूज करवाना चाहें सेम लिस्टिंग में, यानी कि अगर आप इंस्टाग्राम की जगह पर इंस्टाग्राम लिंक डालना चाहें, फेसबुक की जगह पर भी आप इंस्टाग्राम लिंक डालना चाहें, तो ये अभी पॉसिबल नहीं है, ऐसा आप बिल्कुल नहीं कर सकते। तो बाकी इंशाल्लाह जो भी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। तो अगर अभी ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर लाजमी कर दें, और अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब लाजमी कर लें।